हेलो एवरीवन, तो पक्का 9 बजे मैं लाइव आ गया हूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग वाटर कलर के ऊपर बात करेंगे। शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी चीज़ें हैं वाटर कलर से रिलेटेड, उन सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। 1-2 मिनट का वेट करते हैं, थोड़ा सा कुछ लोगों को जुड़ जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस आप आधे मिनट का वेट करिए और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे अपना एक सेकेंड स्क्रीन ऐड कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के कमेंट्स में यहाँ पे पढ़ पाऊँ, क्योंकि ये वाला जो सेटअप है वो तो ओवरहेड सेटअप है। तो मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पे अलग से एक स्क्रीन पे लाइव देख रहा हूँ अपना। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? एक बार मुझे बता दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर? एक बार ओके, मुझे बता दीजिए। चलो सबके जुड़ने तक आप लोगों का कमेंट्स पढ़ते हैं। हेलो सौमिक, प्लेन एयर के बारे में हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आज हम लोग वाटर कलर का जो सबसे बेसिक चीज़ होता है उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे शुरू करना है। पहले तो ये समझना है कि वाटर कलर कैसे शुरू करें और वाटर कलर होता क्या है। ठीक है, आज का ये वीडियो आप लोग अगर पूरा देखते हो, जितना भी 1 या 1.5 घंटे का जो भी ये लाइव होगा, ठीक है, उसमें वाटर कलर से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। वाटर कलर होता क्या है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वाटर कलर करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या मटेरियल्स की सच में ज़रूरत है और क्या फैंसी मटेरियल्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आपको काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल्स के बारे में बताऊँगा। बट ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ होगा आपके पास तभी आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता था कि पेपर कौन सा यूज़ करें, कलर कौन सा यूज़ करें। तो कलर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, कौन सा कलर बेस्ट है मार्केट में। और उसके बाद पेपर के ऊपर बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर कलर का, जो कि हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। तो आप लोग सबको ये जुड़े रहिए। वाटर कलर जो सबसे सेंसिटिव मीडियम है, ठीक है, और वाटर कलर में कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है पेपर, पेपर क्वालिटी। तो उसके ऊपर मैं आज डिटेल में बात करूँगा, कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए, कौन सा पेपर सही है वाटर कलर के लिए और किस तरीके का पेपर किस तरीके के काम के लिए यूज़ होता है, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब जुड़े रहेंगे और शुरू करते हैं बस अभी लाइव सेशन। ऑलमोस्ट 17 लोग जुड़ चुके हैं, आई होप आप लोग सब लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर कलर होता क्या है। ठीक है, जय श्री राम सबको, अंशुल जी जय श्री राम। चलो मैं अभी यहाँ पे अपना कैमरा टर्न कर रहा हूँ और बहुत मुश्किल होता है लाइव करना क्योंकि फ़ैन वगैरह सब कुछ ऑफ करके करना होता है काम, बहुत गर्मी लगता है। और ये मेरा दूसरा लाइव है, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि लास्ट लाइव मैंने लास्ट वीक किया था जिसमें कि मैंने पेंसिल स्केचिंग या फिर स्केचिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आप अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वाले लाइव का। और मेरा जो भी लाइव होता है उसको आप लोग सीरीज़ वाइज देखिए, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला लाइव जो था उसको पहले देखिए, फिर दूसरे वाले लाइव को, फिर आने वाला जो लाइव होगा उन सबको बारी बारी से आप लोग देखिए, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा कोई भी चीज़। तो अभी शुरू करते हैं, मैं अपना कैमरा भी टर्न कर रहा हूँ। चलो सबको साइड करते हैं और एक पेपर के ऊपर पहले देखते हैं, समझते हैं कि वाटर कलर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि कैसे किया जाता है। पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि वाटर कलर होता क्या है। वाटर कलर हिंदी में से बोलते हैं जल रंग। जल रंग, ठीक है, इंग्लिश में वाटर कलर, हिंदी में जल रंग। तो जैसा कि
आपको नाम से पता चल रहा है कि वाटर, जो कलर वाटर में सॉल्यूबल है उसको हम लोग वाटर कलर बोलते हैं, ठीक है। बट ये एक मोटा मोटी डिस्क्रिप्शन है, जो कलर वाटर में सॉल्यूबल है उसको हम लोग वाटर कलर नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर बेस मीडियम, वाटर बेस्ड मीडियम। वाटर बेस्ड मीडियम क्या क्या है? एक तो वाटर कलर है, दूसरा वाटर बेस्ड मीडियम क्या है? एक्रिलिक। तीसरा वाटर बेस्ड मीडियम क्या है? गॉस। चौथा वाटर बेस्ड मीडियम क्या है? पोस्टर। कलर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारा है, लेकिन इन सारे मीडियम्स में ये सब है वाटर बेस्ड मीडियम, ठीक है। तो जिस भी मीडियम में पानी मिला हुआ होता है उसको हम लोग वाटर कलर नहीं बोलते, उसको हम लोग वाटर बेस्ड मीडियम बोलते हैं, कि उसका जो बेस है, उसका जो मीडियम है वो वाटर है। मीडियम मतलब जिसमें वो मिक्स होता है, जिसमें पिगमेंट मिक्स मिक्स होता है। जैसे ऑयल पेंट का मीडियम क्या है? ऑयल। ऑयल पेंट का जो पिगमेंट होता है वो तेल के साथ मिक्स होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ऑयल बेस्ड मीडियम। और ये सारे मीडियम को बोलते हैं वाटर बेस्ड मीडियम। इन सब में वाटर कलर एक मीडियम है। वाटर बेस्ड मीडियम जितने हैं उन सब में से एक मीडियम है वाटर कलर, और ये सबसे यूनिक मीडियम है। ये सबसे यूनिक मीडियम है। क्यों ये सबसे यूनिक मीडियम है, कोई बता सकता है कमेंट्स में? वाटर कलर सबसे यूनिक मीडियम क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस किया हम लोग वाटर बेस्ड मीडियम क्या होता है। तो जो भी मीडियम में जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा, तो उसको हम लोग वाटर बेस्ड मीडियम बोलते हैं, ठीक है। इन सब ये सारे वाटर बेस्ड मीडियम है, वाटर कलर, एक्रिलिक, गॉस, पोस्टर, ये सब में, ये सब को हम लोग पानी के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं, इसीलिए ये सब वाटर बेस्ड मीडियम है। इन सारे वाटर बेस्ड मीडियम में से वाटर कलर जो है वो सबसे यूनिक मीडियम है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वाटर कलर की तरफ। अभी हो गया वाटर बेस्ड मीडियम, और हम लोग चलते हैं वाटर कलर की तरफ, प्रॉपर वाटर कलर। मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो आप लोग मैनेज करिए उससे। वाटर कलर, ठीक है। अब वाटर कलर जो है सबसे यूनिक मीडियम है। यूनिक मीडियम ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर कलर जो है इसका सबसे यूनिकनेस, इसका यूनिकनेस है इसके ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो वाटर कलर जो है वो इकलौता प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंद्रजीत। इन सब में ये सब जो मीडियम है वो सब फ्लूइड मीडियम है, वाटर बेस है, और बहुत अच्छे से फ्लो कर सकता है पानी जब हम लोग ज़्यादा मिलाते हैं। तो इन सब को हम लोग काइंड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर कलर का जो प्रॉपर्टी है वो इसका ट्रांसपेरेंसी ही है। इसको हम ट्रांसपेरेंट, बाकी मीडियम्स को हम ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर कलर का जो मेन यूनिकनेस है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो इसका ट्रांसपेरेंसी में ही है। तो इसको हम लोग एक लेवल तक ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट बाकी जो भी मीडियम है इसका जो यूज़ है, इसका जो खासियत है इस मीडियम्स का, वो इसका ओपेकनेस में है। ये सारे जो मीडियम है ओपेक है, ओपेक मीडियम। इन सब में ये दोनों जो मीडियम है, गॉस और पोस्टर, ये ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसको हम लोग सेमी ओपेक बोल सकते हैं। ओपेक मतलब जिससे जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। सेमी ओपेक मतलब थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा ओपेक है, ठीक है। तो गॉस और पोस्टर कलर को हम लोग काइंड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और ओपेक तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्रेलिक को मोस्टली हम लोग ओपेक तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं। इसको काफ़ी थिक कलर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, एक्रेलिक को, वेल पेंट को, ठीक है। बट वाटर कलर को मोस्टली 99% हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से ही यूज़ करते हैं। अगर इसको बहुत ज़्यादा ओपेक कर देंगे तो इसका जो खासियत है वही चला जाएगा, तो वही वाटर कलर का एक यूनिकनेस है। सो वाटर कलर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, और यही इस मीडियम को मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम बनाता है। मोस्ट डिफिकल्ट,
वाटर कलर सबसे डिफिकल्ट मीडियम इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से डिफिकल्ट क्यों हो गया? ले सपोज आपके पास एक ओपेक मीडियम है, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो और यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, बट जब आप ओपेक मीडियम में काम कर रहे हो तो एक ओपेक का मतलब क्या होता है, एक लेयर के पीछे हम लोग देख नहीं सकते, मतलब आर पार दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं। तो अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो उसको हम लोग दूसरे लेयर में रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उसका ओपेकनेस के वजह से वो जो मिस्टेक है वो सेकेंड लेयर में जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, बट वही जब हम लोग वाटर कलर कर रहे हैं, वही जब हम लोग वाटर कलर कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक होता है तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेयर में कम्प्लीटली इरेज नहीं कर सकते या कम्प्लीटली छुपा नहीं सकते, क्योंकि कितना भी लेयर ऐड करेंगे जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसके नीचे जो गलती हुआ है वो दिखेगा ही। इसीलिए वाटर कलर सबसे डिफिकल्ट मीडियम है, और वाटर कलर मीडियम में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है वो है प्लानिंग। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं करोगे तो वाटर कलर मीडियम में काम नहीं कर पाओगे, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से काम करोगे तो ये सबसे इजी मीडियम भी है, ये सबसे डिफिकल्ट मीडियम भी है, बट आपको टेक्निक आना चाहिए, अदरवाइज विदाउट टेक्निक आप इसमें काम करोगे तो दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम, तो इसका टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मीडियम में आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके किसी तरीके से काम निकाल सकते हो, बट इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना होगा। वाटर कलर इज काइंड ऑफ ए चेस, आपको 3-4 स्टेप आगे सोचना होता है, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो गए आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर मैं ये पेंटिंग एक सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, वो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, तब आप वाटर कलर और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन वाटर कलर से, वाटर कलर होता क्या है और वाटर कलर कैसे एक यूनिक मीडियम है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर कलर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट मटेरियल। मैं आपको जो मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा वही इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जो भी मटेरियल आप लोग इधर उधर यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे रील में शॉर्ट्स में देखते हो वो सब फैंसी मटेरियल है, वो सब इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, अच्छा अच्छा वीडियो क्रिएट करना है, तो आप लोग फालतू मटेरियल्स फैंसी मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, बट तीन चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर कलर में, ब्रश, पेपर एंड कलर, कलर और पिगमेंट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ है आपके पास एनफ है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि मास्किंग फ्लूड, ठीक है, और क्या क्या सॉल्ट, कुछ कुछ सॉल्ट वगैरह आता है कुछ कुछ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये सब फालतू चीज़ है, ये सब एकदम बेकार चीज़ है, ठीक है। इन तीन चीज़ों से काम करिए और बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा आपका, ठीक है। पहले तो इन तीन चीज़ों से काम करना स्टार्ट करिए, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है और दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर वाटर कलर। इसके अलावा कुछ कुछ टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं जो बहुत ही सिंपल सा टूल है, 10-20 रुपए का टूल है, जिसको हम लोग यूज़ करके काम को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने पेंटिंग को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर कलर में कंट्रोल हम लोग उतने, जो मीडियम है उसके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पेंटिंग दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक पेंटिंग है, ये अनफिनिश्ड है, बस एक ही लेयर मैंने काम किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी उतना कंट्रोल वे में नहीं है, है ना, कलर है फ्लो कर रहा है, वही उसका खासियत है, कलर का जो फ्लो है फ्लुएंसी है वही उसका खासियत है, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो उतना सुंदर नहीं दिखेगा। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप ओपेक मीडियम में जाके काम कर सकते हो, है ना, तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बट उसको थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स होता है, जैसे कि एक स्प्रे बोतल हो गया इस तरीके से, है ना, जब आपका पेपर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो हम लोग स्प्रे का यूज़ करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हम लोग यूज़ करते हैं इन तीन चीज़ों के अलावा। उसके बाद फिर हम लोग एक सिंपल सा टिश्यू पेपर, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप वाटर कलर से पेंट कर रहे हो, एक स्प्रे बोतल और एक टिश्यू पेपर, ये है एक्स्ट्रा मॉइस्चर देने के लिए पेपर में, और ये है अगर पेपर में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है तो उसको लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया टिश्यू पेपर से हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, अगर ब्रश में पानी बहुत ज़्यादा है तो अप्लाई करने से पहले एक बार ब्रश को टिश्यू पेपर में टच करते हैं,
तो उस तरीके से हम लोग ब्रश के अंदर का मॉइस्चर भी कंट्रोल कर सकते हैं टिश्यू पेपर के थ्रू। तो इन सब चीज़ों के अलावा बस ये दो मटेरियल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक अच्छा कंट्रोल देता है पेंटिंग के ऊपर, अपने मीडियम के ऊपर। इसके अलावा जो भी मटेरियल्स इधर उधर आप देखते हो वो सब फैंसी मटेरियल बेकार का चीज़ है। और एक सबका बहुत बड़ा डाउट है जो कि मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, फिक्सेटिव। बहुत कोई पूछते हैं कि वाटर कलर को के ऊपर फिक्सेटिव या वार्निश ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वाटर कलर आप काम ख़त्म करो, उसके बाद बस आपको, अगर ले सपोज ये अगर पेंटिंग है आपका, काम ख़त्म हो गया, इसको जाके बस आप सेफली रख दो। इसको बस आपको मॉइस्चर से बचाना है, मॉइस्चर और सनलाइट से बचाना। सनलाइट तो किसी भी पेंटिंग को या फिर कोई भी कलर वाला चीज़ को हम लोग ऐसे भी सनलाइट से प्रिजर्व करते हैं, सनलाइट में कलर थोड़ा सा फेड होता है, तो बस आपको सन डायरेक्ट सनलाइट और मॉइस्चर से बचाना है अपने पेंटिंग को। इसके अलावा आपको इसके ऊपर कोई भी फिक्सेटिव वार्निश ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाटर कलर बहुत ही सिंपल सा मीडियम है और इसका सिंप्लिसिटी ही इसका खासियत है। जितना सिंपल रखोगे आप उतना सुंदर लगेगा, और उतना डिफिकल्ट है चीज़ों को सिंपल तरीके से करना, उतना डिफिकल्ट होता है, उतना टेक्निकल होता है, ठीक है। तो इसका सिंप्लिसिटी इसका सबसे बड़ा खासियत है। इसको आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पेपर, ब्रश, पेपर, कलर, डैट्स इट। पेंटिंग ख़त्म हुआ, बस उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखो, डैट्स इट। उसको एक्स्ट्रा कुछ भी लेयर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कैसे प्रिजर्व करते हो, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे करके इन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रश के ऊपर, ठीक है। ब्रशेस, वाटर कलर में ब्रश का एक अच्छा अपना एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे मैं आपको एक बार अपने कुछ कुछ ब्रश दिखा रहा हूँ, आप लोग देख के बस डरिएगा मत। बस काइंड नाम का एक कलेक्शन है, इतने सारे ब्रशेस मैं यूज़ करता नहीं हूँ एक्चुअली, जैसे ठीक है। अलग अलग तरह का ब्रश है यहाँ पे, और ये कुछ ब्रश है जो मेरे पास है। सबका एक अपना शौक होता है, किसी को बाइक कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को कुछ कुछ और कलेक्ट करने का शौक होता है। मुझे ब्रश कलेक्ट करने का शौक है, और मोस्टली पेंटिंग करने वाले सब लोग काफ़ी सारे ब्रश का एक कलेक्शन रखते हैं, बट यूज़ कुछ ब्रश ही होता है। एक पेंटिंग करने के लिए आपको एक इस तरीके का मोटा ब्रश, ठीक है। मोटा ब्रश इन द सेंस, जैसे बहुत लोग नंबर देख के ब्रश खरीदते हैं, बट वो एक गलत तरीका है ब्रश खरीदने का। ब्रश का नंबर कंपनी के ऊपर वैरी करता है, जैसे किसी कंपनी का दो नंबर, देखिए एक चार नंबर का ब्रश है, इतना इतना मोटा है, किसी कंपनी का चार नंबर का ब्रश इतना पतला होगा। तो नंबर जो है ब्रश का वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा फ़ोन को एडजस्ट करना होगा अच्छे से। चलो, इतने सारे ब्रश है मेरे पास वाटर कलर के लिए। इन सब का अलग अलग अपना एक यूज़ है। अब किसको किस तरीके से यूज़ करना है वो बताने से पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर कलर का ब्रश ब्रश में और बाकी जो ब्रश होता है, बाकी मीडियम का ब्रश, उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे मेरे पास एक हॉग हेयर ब्रश है जो कि हम लोग ऑयल पेंट में यूज़ करते हैं, और एक सिंथेटिक ब्रश है, ठीक है, जो हम लोग ऑयल एक्रेलिक दोनों में यूज़ करते हैं। इन सब ब्रश में और इन सब ब्रश में क्या डिफरेंस है। इसमें सारा ब्रश नेचुरल हेयर नहीं है, ये नेचुरल हेयर नहीं है, ये नेचुरल हेयर नहीं है, और ये नेचुरल हेयर नहीं है, ये नेचुरल हेयर नहीं है। बाकी जो नेचुरल हेयर है वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है, ये सब नॉर्मल गोट हेयर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रशेस है मेरे पास जो कि क्रुएल्टी फ्री नहीं थे, जिसको मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है, तो मैं वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ना ही मैं यूज़ करता हूँ। अभी मेरे पास जो भी ब्रश है वो क्रुएल्टी फ्री ब्रशेस रहते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल ब्रश में, सिंथेटिक ब्रश या हॉग हेयर ब्रश और वाटर कलर ब्रश में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझने के लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, ठीक है।
जैसे ये ब्रश अभी ड्राई है और ये ब्रश वेट है, ये ब्रश ड्राई है, ये वेट है। वाटर कलर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ब्रश कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करके रख सकता है। ये जो नॉर्मल जो सिंथेटिक ब्रश होता है वो काफ़ी ड्राई रहता है, ये बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर, कितना भी सॉफ्ट हो ये बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकता है। बट वाटर कलर करने के लिए आपको अच्छा खासा फ्लूडिटी चाहिए, अच्छा खासा फ्लुएंसी चाहिए ब्रश में। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है कि ये अच्छा खासा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है। अभी देखिए ये इतना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड लग रहा है देखने में जब ये ड्राई है, जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा ये अपना जो शेप है वो रिटेन कर लेगा। ये देखिए एक अच्छे ब्रश की क्वालिटी, और ये बहुत महंगा ब्रश नहीं है, जैसे चाइनीज कैलीग्राफी ब्रश, और ये शायद फाइव सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का ये तीन ब्रश का सेट है, और मैं मोस्टली इन दोनों ब्रश से ही काम करता हूँ। ठीक है, ये दोनों ब्रश और एक डिटेल ब्रश लास्ट के लिए, ये तीन ब्रश से मैं कोई भी पेंटिंग ख़त्म कर सकता हूँ, और मोस्टली मैं इन तीनों ब्रश का ही यूज़ करता हूँ। भले ही मेरे पास इतने सारे ब्रश है, कभी कभी अलग अलग ब्रश यूज होते हैं, और मैं यहाँ पर सारे ब्रशेस के बारे में बताऊँगा आपको अलग से, बट पहले देखिए कि क्या क्वालिटी है ब्रश का, क्या क्वालिटी होना चाहिए वाटर कलर के ब्रश का। मैंने पानी में डाला, एक्स्ट्रा पानी में निकाल रहा हूँ, इसके बाद भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा कलर के साथ आपको बताता हूँ करके। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कलर लिया, अभी देखिए एक ब्रश, ये ब्रश कम्प्लीटली लोडेड है अभी, ठीक है, कलर के साथ ये ब्रश अभी कम्प्लीटली लोडेड है। अभी देखिए कितना बड़ा एरिया मैं कवर कर सकता हूँ एक फुल लोडेड ब्रश के साथ। अभी यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ब्रश में कितना पानी एब्जॉर्ब हो सकता है ना, इतना बड़ा, इतना लार्जर एरिया मैंने एक ब्रश के साथ मैंने फिनिश कर दिया, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, वही वाटर कलर के ब्रश का सबसे बड़ा क्वालिटी है। जब भी आप ब्रश खरीदने जाओ वाटर कलर के ब्रश का, सबसे पहले उसका सॉफ्टनेस होना चाहिए ब्रश में, ऐसे भी हार्ड ब्रश जो होता है वो बहुत ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकता, तो नॉर्मली वाटर कलर का ब्रश काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसमें पानी अच्छे खासा अमाउंट में होल्ड होना चाहिए। देखिए तो ये था ब्रश का क्वालिटी। मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है आवाज़? क्वालिटी मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है आवाज़? नहीं, आवाज़ तो ठीक है, मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। अब चेक करो आप कहीं म्यूट पे तो नहीं हो। ओके, तो ये था ब्रश का क्वालिटी। अब कौन सा ब्रश किस जगह पे यूज़ होता है और आपको क्या क्या ब्रश की ज़रूरत है, आपको इतने सारे ब्रश की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कुछ बेसिक ब्रश है जो आपको चाहिए होगा। जैसे अगर आप बहुत बड़े साइज़ के पेंटिंग पे काम कर रहे हो, ऐसे तो अभी आपको छोटे साइज़ पे ही काम करना चाहिए, A3 साइज़ A4 साइज़ पे काम करना चाहिए स्किल डेवलप करने के लिए। बस ये दोनों ब्रश सेम क्वालिटी का है, बट ये जो है थोड़ा सा फ्लैट है एक लार्जर एरिया कवर करने, जैसे आप बहुत बड़े एरिया में वॉश दे रहे हो तो उस लार्जर एरिया को कवर करने के लिए हम लोग फ्लैट ब्रश का यूज़ करते हैं, वही इसका यूज़ है। इसके अलावा फ्लैट ब्रश का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, कुछ कुछ लोग फ्लैट ब्रश से ही काम करते हैं, उसका उनका अपना एक स्टाइल होता है, तो आप उसको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। बस फ्लैट ब्रश का काम है एक लार्जर एरिया को कवर करने के लिए कम टाइम में, ठीक है, ये फ्लैट ब्रश का काम। उसके बाद मोस्टली आपको काम करने के लिए दो राउंड ब्रश की ज़रूरत होगी, एक मीडियम साइज़ का ब्रश और जिसका कि पॉइंट थोड़ा शार्प हो, ताकि इसी से आप थोड़ा सा डिटेल वाला भी काम कर लो, इसी के साथ इसी को थोड़ा फैला के आप
लार्जर एरिया कवर करने वाला भी काम कर लो। और सेम दोनों दो ब्रश आपको एक जैसा चाहिए होगा, चाहे आप ऐसा दो ब्रश रखो या फिर इस तरीके का मोप ब्रश जो आता है, इसको हम लोग मोप ब्रश बोलते हैं। मोप ब्रश मतलब, मोप का मतलब है एक झाड़ू के जैसा, ठीक है, झाड़ू के जैसा ये ब्रश है, और ये भी बहुत ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। जो भी ब्रश आप खरीदो उसका दो दो तरीके का ब्रश खरीदो, एक जैसा दो ब्रश ऐसा राउंड, एक थोड़ा सा मोटा एक थोड़ा सा पतला, ताकि बड़ा एरिया कवर करने के लिए आप मोटे ब्रश का यूज़ करो, छोटे एरिया में और थोड़ा सा मीडियम साइज़ के ब्रश का यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद डिटेल करने के लिए आपको एक फ़ाइन ब्रश का ज़रूरत होगा, इस तरीके का एक फ़ाइन ब्रश जो एकदम जो माइन्यूट डिटेल है वहाँ पे करने के लिए, ठीक है। ये तीन ब्रश आपका बहुत एनफ है काम करने के लिए, ये तीन या फिर ये तीन ब्रश, ठीक है। मोस्टली मैं इन्हीं तीन ब्रशों का यूज़ करता हूँ। अभी तो मैं काफ़ी टाइम से इन दोनों ब्रश का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों काफ़ी अच्छे ब्रश थे, मैंने 2-3 साल यूज़ किया है। रिसेंटली मैंने चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश यूज़ करना स्टार्ट किया, ये थोड़ा सा हेयर फॉल होता है इसमें चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश में, बट काफ़ी अच्छा काम होता है। इसका जो हेयर है थोड़ा सा लॉन्ग हेयर है, जो कि मेरे स्टाइल के हिसाब से अच्छा है काम करने के लिए। सबका अपना अपना तरीका है, जैसे ये एक ब्रश है, ये सबसे महंगा ब्रश है, आप जितना भी ब्रश है उसमें सबसे महंगा ब्रश यही है, ये शायद 1600 या 1700 का ब्रश है, बट इसको मैं यूज़ नहीं करता, थोड़ा सा शॉर्ट हेयर है ये, मुझे ये उतना पसंद नहीं है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ब्रश है, ये भी एक मोप ब्रश है। तो आपको खुद से एक्सप्लोर करना होगा कि आपको आपके हैंड में कौन सा ब्रश सूट कर रहा है, आपके हैंड में कौन सा ब्रश अच्छे से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और एक ब्रश है जो कि आप ले सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइनर ब्रश। ये थोड़ा सा फाइन होता है और इसका जो लेंथ है पतला और लंबा होता है ऐसा, इसको हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली लाइन के लिए। बाकी सारे ब्रश का यूज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो लाइनर ब्रश है ये थोड़ा सा अलग है, इस तरीके से होता है, पतला और लंबा हेयर होता है इसका, इतना लंबा इसका हेयर है ना। तो इसको हम लोग मोस्टली फाइन लाइंस के लिए, इस तरीके से केबल वगैरह जब हम लोग ऐड करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, इसमें इससे लाइंस बहुत अच्छे आते हैं, इसको हम लोग लाइनर ब्रश या ड्रैगर ब्रश बोलते हैं। तो समझ में आया सबको ब्रश के बारे में? ब्रश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, क्लियर है ब्रश के बारे में? चलो, ब्रश के बाद आते हैं कलर्स पे। कलर्स में मैं आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में नहीं बताऊंगा, सिंपल सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आप कोई भी ब्रांड यूज़ करो आपको आर्टिस्ट क्वालिटी का कलर यूज़ करना है। और मेरे आप जितने भी पेंटिंग्स देखते हो वो सब कैमल के ब्रांड से ही बना हुआ है, 99% जो है वो कैमल के ब्रांड से ही बना हुआ है। इसके अलावा मेरे पास महंगे महंगे पिगमेंट्स भी हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करता, जैसे मेरे पास सेनीलियर के भी कुछ कुछ पड़े हुए हैं पिगमेंट्स, ये सेनीलियर के पिगमेंट्स हैं। अब मैं आपको एक बार प्राइस डिफरेंट बताता हूँ, इसका भी करंट प्राइस जो है ये ऑलमोस्ट 110 से 110 रुपये के बीच का है एक ट्यूब, और इसका जो क्वांटिटी है 20 ml है, 20 ml का ट्यूब, ये आता है 100 रुपये के आसपास में, 110, 120, 190 इसके आसपास में ये आता है। और ये है 10 ml का सनीलियर का, एक ट्यूब का प्राइस है, स्टार्ट होता है 600 to 700 से, और इसके सारे पिगमेंट्स अलग अलग प्राइस पे मिलते हैं, कोई आपको 600 का मिलेगा, कोई आपको 1600 का मिलेगा, कोई आपको 2000 का मिलेगा, कोई आपको 1200 का मिलेगा, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस का, है ना। तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो ये कलर ज़्यादा बेटर होगा। और क्या डिफरेंस आता है सस्ता कलर और महंगा कलर में? इसका पिगमेंट थोड़ा सा चौकी होगा, उतना ज़्यादा नहीं, ट्रांसपेरेंसी है इसमें, पिगमेंट थोड़े से ज़्यादा प्योर होते हैं। जितना महंगा कलर पे आप जाओगे, जैसे ये सेनीलियर है, विंसेंट न्यूटन आता है, उसके बाद फिर डेनियल स्मिथ आता है, ठीक है, मिशन गोल्ड के कलर्स आते हैं, डिफरेंस बस यही है कि आप जितना महंगा कलर पर जाओगे पिगमेंट उतना प्योर होता जाएगा, आपको बहुत कम कलर्स में आप बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो, बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा कलर ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें थोड़ा सा कलर कम यूज़ होता है और पिगमेंट थोड़ा ज़्यादा प्योर होता है। तो कलर कम यूज़ हो रहा है मतलब उतना ज़्यादा पतला हो रहा है कलर, मतलब थोड़े से कलर्स को आप ज़्यादा एरिया में फैला सकते हो, मतलब कलर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर इतना एरिया कवर करने में आपको 1 ml लग रहा है इसका, तो इतना एरिया कवर करने में इसका 0.1 ml लगेगा, है ना। तो ऑब्वियसली जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है थोड़े महंगे कलर में,
ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस हो जाता है। कैमल का कलर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोवाइड करता है कैमल। कैमल का जो आर्टिस्ट वाटर कलर है, इसमें एक स्टूडेंट भी आता है, वो वाला यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ करना है। एक 20 ml का ट्यूब 100 rupees के एवरेज में आता है। अब इसका करंट प्राइस 100 है, रिसेंटली प्राइस बढ़ा है, इसका प्राइस 70-80 के आसपास था। ठीक है, तो कलर्स में ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना है, कैमल के साथ स्टार्ट करना है। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। इसके अलावा जो भी अवेलेबल है, जैसे फेवर कासल वगैरह, वो सब यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वो सबसे बेटर, इस रेंज में सबसे बेटर क्वालिटी आपको कैमल देता है। तो आप इससे मास्टर लेवल का काम कर सकते हो। बहुत सारे मास्टर्स यूज़ करते हैं कैमल के कलर्स। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन, जो कि है पेपर। ठीक है, पेपर सारे दिखाने से पहले आपको पेपर के बारे में थोड़ा समझाना होगा कि मार्केट में क्या क्या पेपर्स अवेलेबल हैं और कितने तरीके के पेपर होते हैं वाटर कलर में। आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछते रहिए। मैं पूरा कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ, बट बीच बीच में मैं देखते रहूँगा। अगर मिस हो रहा है तो आप दोबारा पूछिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ज़रूर पिक करूँगा। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ। क्विक स्केच मैं दोबारा से कभी लाइव आऊँगा तो करूँगा। सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं जिस टॉपिक से रिलेटेड लाइव आता हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। अगर जैसे मैं अभी वाटर कलर के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप स्केचिंग के बारे में पूछोगे तो सबको डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वाटर कलर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोग पूछिए। ठीक है, वाटर कलर पेपर। अब वाटर कलर के पेपर का अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रफनेस, ग्रेन्स। ग्रेन्स के हिसाब से वाटर कलर तीन तरीके का होता है, तीन तरीके का पेपर होता है वाटर कलर में। ग्रेन्स के हिसाब से पहला हॉट प्रेस, कोल्ड प्रेस एंड रफ। ठीक है, हॉट प्रेस स्मूथ, ये सबसे स्मूथ होगा पेपर। कोल्ड प्रेस मीडियम टेक्सचर टेक्सचर, और रफ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रफ टेक्सचर। मोस्टली वाटर कलर में या तो मीडियम टेक्सचर लोग यूज करते हैं या रफ टेक्सचर यूज करते हैं। स्मूथ पेपर या हॉट प्रेस पेपर बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हॉट प्रेस पेपर्स मोस्टली लोग स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ होता है, बट उसमें भी हल्का ग्रेन होता है, लेकिन स्मूथ होता है। उसको मोस्टली लोग स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। बस इतना समझ लीजिए, हॉट प्रेस पूरा कंप्लीटली स्मूथ पेपर होगा, कोल्ड प्रेस थोड़ा सा मीडियम टेक्सचर होगा, रफ बहुत ज़्यादा रफ टेक्सचर होगा। और एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तीनों का। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा स्केचबुक है। मैंने तो आज तक कभी ख़रीदा नहीं हॉट प्रेस, बट मेरे पास एक स्केचबुक आया था। इसमें कुछ कुछ इसमें जो पेपर है ये हॉट प्रेस है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस पर जो कलर्स आता है एकदम मिल्की कलर आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ कलर आएगा। इसमें कुछ टेक्सचर्स क्रिएट नहीं हो रहा है, सब कुछ बहुत स्मूथ स्मूथ है। ठीक है, ये हॉट प्रेस है, देखो कितना स्मूथनेस है, पूरे तरीके से पेपर ये कंप्लीटली स्मूथ है। दिस इज हॉट प्रेस। एक नॉर्मल सा स्केचबुक है जो मैं कभी बाहर जाता हूँ तो लेके जाता हूँ ऐसे टाइम पास करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कोल्ड प्रेस और रफ, ये दोनों मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मोस्टली यूज़ करता हूँ।
यहाँ पे मेरे पास और एक स्केचबुक है, ठीक है, ये नॉर्मल स्केचिंग पेपर है, वाटर कलर पेपर नहीं है, और नॉर्मल जो स्केचिंग के लिए यूज़ होता है पेपर वो हॉट प्रेस ही होता है, तो इसके ऊपर भी कुछ कुछ हम लोग सॉफ्ट काम कर सकते हैं। ये सब जो काम है ये सब हॉट प्रेस के ऊपर है ना, ये सब हॉट प्रेस का काम है। देखो थोड़ा सा स्मूथ है ना, इसमें टेक्सचर क्रिएट नहीं हो रहा है, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है। अब जो सामने का स्ट्रोक्स भी देखोगे तो उसमें भी आपको स्मूथनेस दिखेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, सेम सब्जेक्ट मैंने बनाया था एक रफ ग्रेन मीडियम टेक्सचर वाले पेपर पे, ये एक सब्जेक्ट है और ये दोनों सेम पेंटिंग है, ये थोड़ा सा बड़े साइज में है। यहाँ पे देखिए स्ट्रोक्स में आपको टेक्सचर दिख रहे हैं थोड़े से, तो दिस इज कोल्ड प्रेस। इसमें आपको आप यहाँ पे स्मूथनेस भी क्रिएट कर सकते रख सकते हो ज़्यादा पानी यूज़ करके, जब थोड़ा सा कम पानी का यूज़ करोगे तो इस तरीके से आपका टेक्सचर भी क्रिएट होगा यहाँ पे, है ना। सेम सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको टेक्सचर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको हर जगह कहीं ना कहीं हल्का हल्का टेक्सचर दिख रहा है ना, पेपर का भी टेक्सचर और ब्रश के स्ट्रोक्स में, कलर्स के स्ट्रोक्स में भी आपको थोड़े बहुत टेक्सचर दिखेंगे। दिख रहा है टेक्सचर, तो ये था डिफरेंस हॉट प्रेस और कोल्ड प्रेस में। अब कोल्ड प्रेस और रफ देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस। यहाँ पे फिर से मेरे पास दो पेंटिंग है, एक पेंटिंग मैंने बनाया है कोल्ड प्रेस के ऊपर। कोल्ड प्रेस में एक मीडियम सा टेक्सचर होता है उसमें, तो आप काम के हिसाब से आप इसको स्मूथली भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए आप थोड़ा सा टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का टेक्सचर मैंने क्रिएट किया है ना, बहुत ही माइन्यूट सा मीडियम सा टेक्सचर होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वाटर कलर में कौन सा पेपर यूज़ करना है, तो आप कोल्ड प्रेस से स्टार्ट करिए, ये बेस्ट है काम करने के लिए। इसमें आप थोड़ा बहुत टेक्सचर वाला भी काम कर सकते हो और स्मूथ काम भी कर सकते हो, वॉश वाला काम भी कर सकते हो बहुत ही आराम से। देखो ये जो पेंटिंग है ये कोल्ड प्रेस पेपर के ऊपर है, इसके बाद मैं दिखाता हूँ रफ पेपर। ये जो काम है ये रफ रफ टेक्सचर वाला पेपर पे, तो ऐसा नहीं है कि आपको रफ़ यूज़ करना चाहिए या कोल्ड प्रेस यूज़ करना चाहिए, डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये सिटीस्केप था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टेक्सचर दिखाना था वॉल सब में, तो मैंने रफ़ पेपर का यूज़ किया। यहाँ देखे टेक्सचर आपको दिख रहा होगा पेपर का, है ना, स्ट्रोक्स में भी ब्रोकन स्ट्रोक्स, तो इस तरीके का काम मुझे थोड़ा सा पसंद आता है, तो मैं रफ़ भी यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, मोस्टली सिटीस्केप वगैरह के लिए, और कोल्ड प्रेस भी यूज़ करता हूँ। आपको आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोल्ड प्रेस पेपर, ठीक है, रफ पेपर को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अच्छे से, रफ या हॉट प्रेस को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। रफ पेपर आपको अच्छे ब्रांड का लोगे जैसे फेबियानो का, तो वो बहुत ज़्यादा रफ होता है। यहाँ पे देखिए आपको रफनेस दिख रहा होगा, है ना, दिस इज द रफनेस, नॉर्मल पेपर पे ये रफनेस है। और ये है हॉट प्रेस पेपर, ये है कोल्ड प्रेस, इसका जो टेक्सचर है हल्का हल्का सा टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, बट इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये कोल्ड प्रेस है, ये रफ है, डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा है ये कितना ज़्यादा रफ है। तो ये यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आपके यूज़ के हिसाब से क्या है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप रेगुलर काम करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ एक्सपीरियंस का चीज़ है कि ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, पेपर कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो ब्रश आपके हैंड हाथ में सूट करेगा वो आपको यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये था ग्रेन्स के ऊपर डिफरेंशिएशन, हॉट प्रेस कोल्ड प्रेस एंड रफ। इसके बाद और एक डिफरेंशिएशन आता है भाई, पेपर के बारे में और जानना पड़ेगा आपको। अभी तो मैंने बस आपको बताया कि ग्रेन्स के हिसाब से तीन तरीके के पेपर आते हैं, कोल्ड प्रेस रफ और हॉट प्रेस, उसके अलावा फिर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ठीक है, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, स्पेलिंग मेरा मिस्टेक होता है, मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है, जब से पेंटिंग वेंटिंग करना स्टार्ट किए लिखना पढ़ना छूट गया, लिखने की आदत नहीं है, और आजकल जो भी लिखना पढ़ना होता है वो टाइप करके होता है, टाइप करने में ऑटो करेक्ट की वजह से स्पेलिंग बहुत
मिस्टेक होता है लिखने में, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से डिफरेंशिएशन होता है 100% कॉटन, 100% कॉटन पेपर, 25% कॉटन पेपर, ये दोनों जो है ये मशीन मेड है। मशीन के थ्रू बनते हैं, और सिंपली आप समझ लो कि कोई कोई भी ब्रांड का जब आप पेपर खरीदते हो, ब्रांडेड पेपर, तो नॉर्मली मशीन से, ब्रांड मतलब क्या, बहुत हाई लेवल पे, हाई स्केल पे उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब मशीन से मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ब्रांड मोस्टली, कोई भी ब्रांड आप देख लो, मोस्टली दो तरीके के पेपर मार्केट में लाते हैं, एक 25% कॉटन, एक 100% कॉटन, ठीक है। इसके अलावा आता है हैंडमेड पेपर जो कि इंडिया में मिलता है, हैंडमेड पेपर, इसमें बहुत ही अलग अलग क्वालिटी आता है, जो कि हैंडमेड पेपर मोस्टली 100% कॉटन होता है, ठीक है। हैंडमेड पेपर का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो है चित्रपट, चित्रपट। अब तो चित्रपट भी मशीन में बनना स्टार्ट हुआ है, बट इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं होता है, पेपर बहुत ही रॉ रहता है ये पेपर, चित्रपट पेपर, और बहुत ही कम प्राइस में मिलता है आपको, 50 to 60 rupees में एक चित्रपट पेपर मिल जाता है फुल साइज का। और ये अगर ब्रांड का पेपर लेने जाओ आप, तो 100% कॉटन वाला पेपर स्टार्ट होता है, सबसे कम प्राइस में जो आता है ब्रांडेड पेपर्स में वो है ब्रूस्टो का, 350 समथिंग अराउंड 300-350 एक फुल पेपर का। इसके बाद आप थोड़ा महंगे ब्रांड में जाओगे तो फेब्रियानो, इसका प्राइस है 480 एक पेपर का, ठीक है। फेब्रियानो, अरे यार ये कुत्ता लोग अभी बहुत है इसको, ये है प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 100% कॉटन का, 350-480 अगर फेब्रियानो जाओगे, या फेब्रियानो लाना, ये सब 450-480 के आसपास आता है। इसके बाद आता है एक ब्रांड आर्चेस, जिसका अराउंड 600 के आसपास एक पेपर का प्राइस पड़ता है। तो कहाँ ये 50 to 60 rupees, कहाँ ये 350 से स्टार्ट हो रहा है, 600 तक जा रहा है, ये डिफरेंस है ब्रांड में और हैंडमेड पेपर में। तो स्टार्ट करने के लिए चित्रपट मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि यू कैन स्टार्ट विथ चित्रपट। अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपके पास जो पेपर है उसी में आप स्टार्ट कर दो। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल कि मैं 5 rupees के पेपर पे भी काम करता हूँ। काम क्या करता हूँ, मैं क्लास में डेमो भी देता हूँ 5 rupees के पेपर पे, सबसे जो कम प्राइस का पेपर होता है मैं उसके ऊपर डेमो देता हूँ क्लास में, जो मेरा रेगुलर क्लास चलता है वाटर कलर का। तो ये सब जो भी चीज़ है 100% कॉटन, 25% कॉटन, हैंडमेड, ये सब थोड़ा जानना ज़रूरी है। और ये जो प्राइस वाला चीज़ है कि इतना महंगा पेपर पे ही अच्छा काम होता है, ये बहुत गलत है। पहले आपको स्किल डेवलप करना है, उसके बाद ये सब चीज़ पे जाना है कि कौन सा पेपर महंगा है सस्ता है। पहले तो कम प्राइस पे आप अच्छा काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए होगा कि 400 rupees के पेपर पे मैं काम करूँगा, तो आप कितना प्रैक्टिस करोगे, है ना। हम लोग के लिए भी डेली काम करना इतने महंगे पेपर पे अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना महंगा है ये पेपर। अगर दिन में 2 पेंटिंग करते हैं तो पर डे आई नीड 400-500 rupees जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए नॉर्मल पेपर काफ़ी है। अब मशीन वाले पेपर में एक 25% कॉटन है, एक 100% कॉटन है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी 25% कॉटन मत खरीदिए, कोई भी कंपनी का हो 25% कॉटन खरीदना ही नहीं, एकदम बेकार होता है ये, है ना, इसको यूज़ नहीं करना है आपका, इसमें लेयरिंग अच्छे से आता नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप हैंडमेड पेपर से स्टार्ट करो, ये 100% कॉटन, भले ये सस्ता पेपर है बट दिस इज 100% कॉटन। और कंपनी के पेपर और हैंडमेड पेपर में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बहुत लंबा लॉन्ग रन के लिए नहीं है, 2-3-4 साल में धीरे धीरे करके ये थोड़ा डल होने लगता है, बट अभी आप सीख रहे हो तभी आपको उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। महंगा पेपर होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है, उसमें जो कलर्स होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत दिन तक वो डल नहीं होता है, ये सब एसिड फ्री होता है, बहुत अलग तरीके से मशीन में प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए पेपर थोड़ा महंगा भी है और क्वालिटी तो अच्छा होता ही है। बट आप स्टार्ट कर सकते हो चित्रपट से, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल पेपर होता है आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। एक नॉर्मल पेपर जो स्केचिंग में नॉर्मली जो आर्ट कॉलेज के बच्चे यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बफ कार्टेज,
बफ कार्ट्रिज पेपर, ठीक है, इसको नॉर्मली लोग स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं और आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए इसको वाटर कलर में भी यूज़ करते हैं। ये जो पेपर का प्राइस होता है एक फुल साइज़ के पेपर का ऑलमोस्ट 15 रुपये के आसपास होता है, 15, कहीं कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा तो 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं, और वो एक फुल साइज़ के पेपर का होता है। और ये जो है ये बफ कार्टेज पेपर का ही एक स्केचबुक बना हुआ है, इसको कि मैं कभी कभी वाटर कलर के लिए भी यूज़ करता हूँ। देखिए इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इसका फुल साइज़ आपको 15 रुपये में मिलता है तो ये साइज़ का प्राइस 4 रुपये के आसपास होगा, ठीक है। अगर एक पेपर का प्राइस इस साइज़ का 4 रुपीज़ के आसपास होगा, 4 रुपये का पेपर है। और इसके ऊपर किस तरीके पर आप काम कर सकते हो वो देखो, ये डेमो मेरे एक लाइव वीडियो में सेव है, आप जाकर देख लेना कि कैसा काम होता है इसके ऊपर, है ना। ये देखिए ये हॉट प्रेस पेपर है, 100% कॉटन भी नहीं है ये, बट ये स्केचिंग वाला पेपर है, तो आप नॉर्मल इस टाइप का थंबनेल स्केच हो गया, काम को डेवलप करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। आज के वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा डेमो भी दूंगा आपको वाटर कलर का, तो आप लोग सब यहीं पे रुकिए और मैं डेमो इसी पेपर के ऊपर दूंगा, सबसे सस्ता पेपर मेरे पास है उसके ऊपर ही मैं डेमो दूंगा आपको, ठीक है। एक बार फिर से मटेरियल के बारे में बता दूँ, ये देखिए ये 2 रुपये 5 रुपये के पेपर के ऊपर ये काम है, ये देखिए ये काम कैसा लग रहा है आप एक बार बताइए, कमेंट्स में एक बार बताइए आपको कैसा लग रहा है काम। दिस इज ऑन 4 रुपीज़ पेपर, है ना। देखिए छोटा छोटा प्रैक्टिस चलता रहना चाहिए ऐसा। अब इस टाइप के प्रैक्टिस के लिए भी मैं ढूंढूंगा 400 रुपये का पेपर, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा इस टाइप का छोटा छोटा चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे अपना स्किल डेवलप करिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अब ये पेपर आपका लेवल से नीचे रह चुका है, आप इसके लेवल के ऊपर उठ चुके हैं, तो फिर आप अपना पेपर को आगे लेके जाइए, थोड़ा सा महंगा पेपर लेके आइए, धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करिए। ये देखिए एक क्लास का ही एक डेमो है, मेरा जो ऑनलाइन क्लास चलता है उसका ही एक डेमो है, इसके ऊपर भी स्केचिंग भी हुआ, वैली भी स्केच, इसके ऊपर छोटा सा पेंटिंग भी हुआ। तो एक महंगा पेपर पे ही काम हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना, बस इसमें इतना ही है। ये देखो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा थंबनेल स्केच बनाया था, वैल्यू स्केच, और इसी चीज़ को मैंने एक दूसरे पे कोल्ड पेस्ट पेपर पे बनाया था, ये देखिए ऊपर लगा हुआ है ना, सेम पेंटिंग है। तो ये भी एक प्रोसेस है काम करने का, पहले आपको छोटा सा थंबनेल स्केच बनाना चाहिए, वैल्यू स्केच एक सिंगल कलर के साथ, उसके बाद आप कुछ भी पेंट करिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर कलर मटेरियल्स, जो भी आपको ज़रूरत है मटेरियल्स का। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया आपको एक स्प्रे बोतल की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कहाँ रख दिया, चलो मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछो। इन सब चीज़ के अलावा आपको बस एक स्प्रे बोतल की ज़रूरत होगी और टिश्यू पेपर की ज़रूरत होगी। टिश्यू पेपर की जगह आप कॉटन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो और इस तरीके का कोई स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हो। इसका मोस्टली काम है जैसे जब आपके ब्रश में बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे ब्रश में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो कभी कभी आपको थोड़ा कम पानी से भी काम करना होता है, कभी कभी ड्राई स्ट्रोक्स भी लगाने होते हैं, तो इस पानी को मैं कहाँ निकालूंगा, वापस उसमें तो निकाल नहीं सकता या फिर हाथ से तो इसे निचोड़ नहीं सकता, तो पेपर पर टच करने से पहले बस जब मैं इस पर थोड़ा सा टच कर देता हूँ तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से ब्रश में जो मॉइस्चर है, ब्रश में जो वेटनेस है, ब्रश के वेटनेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग टिश्यू पेपर या फिर इस तरीके का स्पॉन्ज या फिर कोई कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, इसका यही काम है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे ज़रूरी साथी बनेगा वाटर कलर का, स्प्रे बोतल और टिश्यू पेपर। चलो अभी एक छोटा सा एक पेंटिंग करता हूँ मैं, और कोई भी रेफरेंस नहीं है मेरे पास, बस जितना कुछ बताया आपको वाटर कलर के बारे में तो एक छोटा सा डेमो भी हो जाना चाहिए। हाँ, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलर पैलेट, कलर पैलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा महंगा पैलेट भी ले सकते हो। जैसे ये पैलेट ज़्यादा महंगा नहीं है, 600-700 रुपये का पैलेट है, बट ये बहुत बड़ा पैलेट है और मैंने रिसेंटली ही मंगाया है, ये ब्रूस्टो का पैलेट है। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ये ब्रूस्टो का ये पैलेट है। इससे पहले मैं ब्रूस्टो का ही यूज़ करता था, ए टाइप पैलेट। आप लोग जानते हो कि मोस्टली मैं बाहर जाके काम करता हूँ, तो बाहर जाके काम करने के लिए कलर ज़्यादा आपस में मिक्स ना हो, इधर उधर लीक ना हो, इसके लिए हम लोग को ए टाइट पैलेट का ज़रूरत पड़ता है। पैलेट आप जब भी खरीदो बस आपको ध्यान देना है कि आपके पास एनफ मिक्सिंग एरिया होना चाहिए। से कितना इजी तरीके से हम लोग क्लीन कर सकते हैं इसको, पानी लगाया हमने, अभी इतना गंदा दिख रहा है। बहुत टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं बाहर जा नहीं रहा हूँ, अभी घर में मैं वो वाले पैलेट को यूज़ करता हूँ। थोड़ा बारिश का मौसम है इसकी वजह से बाहर जाना बंद है, थोड़ा फंगस भी आ गया है इस पर। ये पैलेट को क्लीन करने का तरीका, जो भी आप पैलेट लो इतना ध्यान दो कि उसमें मिक्सिंग का एरिया अच्छा खासा होना चाहिए, कलर मिक्सिंग करने का एरिया अच्छा होना चाहिए, है ना। इसीलिए इस टाइप का पैलेट जहाँ पे मिले आपको वैसा पैलेट खरीदो, 20-25 रुपए में आता है छोटा छोटा वेल्स वाला पैलेट, इसमें कुछ मिक्सिंग का एरिया भी इतना ही छोटा होता है, वो सारे पैलेट मत खरीदो आप, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल घर में जो सिरेमिक का पैलेट है आप उसको यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। आपको मिक्सिंग करने के लिए एक अच्छा एरिया चाहिए, ठीक है, आप सिरेमिक पैलेट को यूज़ करो घर में जो भी है, स्टील पैलेट है तो उसको यूज़ करो, लेकिन आप पैलेट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि ये ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। आप ये तो एक बार ख़राब हो भी सकता है ये जो फोल्डिंग वाला है, बट ये जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा है ये मेरा बहुत ही फेवरेट पैलेट बन चुका है, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, ये इतना छोटा था ये इस साइज़ का है, इसमें मुझे एक अच्छा खासा मिक्सिंग एरिया मिल रहा है। ये जो वॉल्स है वेल्स हैं कलर्स निकालने के लिए, वो भी बहुत बड़े साइज़ का है, तो छोटा वेल्स होता है तो उसमें जब हम लोग ब्रश लगाते हैं तो ब्रश भी थोड़ा डैमेज होता है, इसमें अच्छे से मैं कलर्स निकाल सकता हूँ, अच्छे से मिक्स कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा मुझे मिक्सिंग एरिया चाहिए तो मैं इसके ढक्कन को भी यूज़ कर सकता हूँ मिक्सिंग के लिए, तो मिक्सिंग वाला एरिया थोड़ा सा अच्छा रहता है तो आपका पेंटिंग थोड़ा सा क्लीन निकल के आता है, आपको काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छे पैलेट में, और एक अच्छा पैलेट होता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे पैलेट से काम करूँगा। कलर्स देख, कलर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा कलर्स जो अरेंजमेंट है, एक साइड में आपको कूल कलर मिलेगा और एक साइड में आपको वार्म कलर मिलेगा। कूल कलर मतलब जिसमें थोड़ा सा ब्लू का मात्रा हो, ब्लू वायलेट वैसा वैसा हो, वार्म कलर मतलब जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज येलो रेड हो, उसको वार्म कलर बोलते हैं। ये दोनों ऑरेंज सेम है, एक परमानेंट ऑरेंज है, दोनों सेम ऑरेंज है, ठीक है। अलग अलग इसलिए निकाला क्योंकि एक को मैं मिक्सिंग करने के लिए यूज़ करता हूँ, एक थोड़ा सा प्योर जब चाहिए होता है तब यूज़ करता हूँ। ये यहाँ पे बॉन्ड सियाना है जो कि मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर है, बॉन्ड सियाना और फ्रेंच अल्ट्रा मरीन। येलो के लिए मेरे पास येलो ऑकर है, एक न्यूट्रल येलो है, अर्थ येलो है, ये येलो ऑकर मुझे बहुत पसंद है। ये सारा कैमल का ही पिगमेंट है इसमें, है ना, जितना भी पेंटिंग है मेरा सब कैमल के ऊपर ही है। अभी एक छोटा सा पेंटिंग करते हैं, ठीक है। आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वाटर कलर ये देखिए। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा वॉश देना सीखना होगा, एक अच्छा सा वॉश किस तरीके से दे, पहले तो आपको एक फाइन सा वॉश देना सीखना होगा। जैसे ये देखिए, एक आप सिंगल कलर से वॉश देके प्रैक्टिस करो किस तरीके से हम लोग वॉश दे सकते हैं, एक स्मूथ सा वॉश की प्रैक्टिस करो आप। अब मल्टीपल कलर से फिर वॉश देने का ट्राई करो, जैसे ब्लू मैंने लगाया है, बीच में मुझे दूसरा कलर इंट्रोड्यूस करना है, बिना हार्ड एजेस क्रिएट किए दूसरा कलर को भी इंट्रोड्यूस कर पाओ इस तरीके से। छोटा छोटा करके आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। वॉश देते वक्त बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं हम लोग, अदरवाइज हार्ड एज क्रिएट होगा है। एक सिंगल वॉश, मल्टीपल कलर के वॉश,
इसके ऊपर आप चाहो तो कुछ कुछ पैटर्न ट्राई कर सकते हो। आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा किस तरीके से काम करने में कैसा इफेक्ट क्रिएट होता है ना, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ को। जितना आप करोगे उतना आपको समझ में आएगा। हम लोग पता नहीं कितने साल से काम कर रहे हैं और कितना पेंटिंग कर चुके हैं, फिर भी अभी डर लगता है वाटर कलर करने में। क्या रिजल्ट होगा कुछ बता नहीं सकते, पानी का फ्लो कैसा होगा कुछ बोल नहीं सकते, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मीडियम है ये। चलो एक छोटा सा यहाँ पे स्केच करते हैं। अभी जो मैंने वॉश किया उसी वॉश को यूज़ करके मैं यहाँ पे स्केच करूँगा वाटर कलर का। सिंपल सा सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे एक स्केच किया, बस आपका कलर्स लगाने का तरीका सही होगा तो ये भी दिखने में कंप्लीट पेंटिंग जैसा लगेगा। वाटर कलर में आप जितना कम में काम करोगे उतना सुंदर वो लगता है। देखिए वॉश का क्या इम्पोर्टेंस है, बैकग्राउंड के लिए ब्लू, उसे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स किया न्यूट्रलाइज करने के लिए। ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री शेड है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कलर थ्योरी वाले टॉपिक में, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज बस मटेरियल्स के ऊपर मैंने बात किया और बस इन सारे मटेरियल्स को एक बार शो करके दिखा रहा हूँ आपको, और सबसे सस्ते वाले पेपर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हेयर इज माई गो टू ब्रश। बैम्बू ब्रश का मुझे आदत हो गया। सी, एक परफेक्ट वॉश का कितना इम्पोर्टेंस है। पाँच से 10 मिनट में एक पेंटिंग रेडी हो जाएगा। अगर आपको टेक्निक पता है वाटर कलर में बहुत इजी है काम करना। जो डेमो नहीं है मैं बस आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा रहा हूँ। हेलो डार्क फोनिक्स, डीपन, प्रणव, व्हाट अबाउट स्केचिंग। आप मेरा लास्ट वाला लाइव देख लो, उसमें स्केचिंग के बारे में ही हम लोगों ने डिस्कशन किया है। 1.5 घंटा का लाइव है वो, स्केचिंग से रिलेटेड आपका सारा डाउट उसमें सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी बचता है वो आपके ऊपर बचता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। मैंने यहाँ पे अपना एक ग्रीन क्रिएट किया येलो और ब्लू को मिक्स करके अप्लाई करने के लिए। एकदम सिंपल सा पेपर है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या बन रहा है।
अब देखिए टिश्यू पेपर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे एक यूज टिश्यू पेपर है मेरे पास। अभी पेपर मेरा पहले से थोड़ा वेट है, इसमें पहले से पानी है बहुत ज़्यादा, और मेरे ब्रश में भी बहुत ज़्यादा पानी है, तो इतना ज़्यादा पानी मैं अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस ब्रश में जो पानी है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा सा टिश्यू पेपर पर टैप करूँगा इसको, तो एक्स्ट्रा जो भी मॉइस्चर है वो निकल गया, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं उतना ज़्यादा पानी लेके यहाँ पे यूज़ करता तो पहले का जो लेयर था वो डिस्टर्ब होता, वो ख़राब हो जाता। तो ये सारा चीज़ जो है ये आपको, आप जितना काम करोगे आपको खुद पे कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारा चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करने वाला है, कब ब्रश में कितना पानी होना चाहिए, कब ब्रश वेट होना चाहिए, कब ड्राई होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस। सबका अपना तरीका है काम करने का। कोई और होता तो मैं भी अभी भी वेट ब्रश से काम कर सकता था अपने काम करने का तरीके के हिसाब से, वो गलत नहीं है। सबका अपना तरीका है काम करने का, और तरीका जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे ही डेवलप होगा। हो गया वाटर कलर में हमेशा हम लोग लेयरिंग करते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर कलर में, जब तक ये सूख रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ के बारे में बात करते हैं। वाटर कलर आप जब भी करो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू गो फ्रॉम लाइट लाइट टू डार्क, हमेशा लाइट टू डार्क आपको जाना है। अभी मैंने सारे लाइट शेड्स लगा दिए यहाँ पे। अब इस ड्राई होने के बाद इसके ऊपर शेडो वाला एरिया ऐड करेंगे। चलिए जब तक ये थोड़ा ड्राई हो रहा है मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ थोड़ा सा। हेलो आयुषी जी, आप शायद अभी तुरंत ज्वाइन किए हो, मैंने ब्रश के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। आप दोबारा, ये थोड़ी देर में ये लाइव एंड हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा जाके ज़रूर देखिए ब्रश के ऊपर। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वाटर कलर का ब्रश जो भी आप यूज़ करो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, और उसमें उसमें जो पानी होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो अच्छा होना चाहिए। आप ब्रश कोई भी यूज़ करो मैटर नहीं करता, उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए। वाटर ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए और पानी अच्छे से होल्ड होना चाहिए उसमें, ये वाटर कलर के ब्रश का क्वालिटी होता है। जब वो ब्रश ड्राई होगा तो इस तरीके से स्कैटर्ड होगा, है ना, पानी से भीगने के बाद ऐसा शेप ले लेता है। एक अच्छा क्वालिटी का ब्रश का ये पहचान है, भीगने के बाद वो अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। और आप दोबारा जाके ज़रूर देखिए ब्रश के बारे में जो मैंने बताया था, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया। जो भी इस वीडियो में है हो, अभी इस वीडियो को पूरा देखो, वाटर कलर से रिलेटेड जो भी बेसिक डाउट्स है वो तो कम से कम नहीं रहेगा इस वीडियो के होने के बाद। और आपको लग रहा है कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए, अगर किसी को, किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो आप ज़रूर शेयर करो उसके साथ। आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना काम भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ANUPAM_arts। ठीक है, करंटली मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बट आप वहाँ पे जाके मेरे जो रेगुलर काम है वो मेरे काम आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और जो भी काम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जब भी मैं एक्टिव होऊँगा वहाँ पे तो मैं ज़रूर देख के रिप्लाई करूँगा। और किसी को अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पर जाके मेरा जो भी कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन में, वहाँ के थ्रू आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर रेगुलर क्लासेस एंड ऑल। अगर आपको बहुत डिटेल में इन डेप्थ जानना है तब रेगुलर क्लास मेरा ज्वाइन कर सकते हो। मेरा एक ही क्लास चलता है संडे को, एक ही बैच है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्लासेस लेने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर लाइव आ रहा हूँ ताकि सबको बेनिफिट हो थोड़ा थोड़ा, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और डिटेल में सीखने के लिए तो आपको थोड़ा सा क्लास ज्वाइन करना ही पड़ेगा, किसी का भी करिए। सेकेंड लेयर में शैडो एरिया में काम कर रहे हैं।
और सपोज ऊपर से लाइट आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा शेडो क्रिएट होगा। बस मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट और प्रोसेस दिखा रहा हूँ हमको वाटर कलर का डेमो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक वाटर कलर का डेमो रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लाइव में एक कंप्लीट वाटर कलर का डेमो होगा। नेक्स्ट लाइव में भी या तो मैं थर्सडे को आ सकता हूँ या फिर फ्राइडे को। आई विल इन्फॉर्म ऑन माई यूट्यूब। आप लोग एक्टिव रहो यहाँ पे, मैं कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है? एक अच्छा सा डेमो करते हैं। अभी डेमो करने से पहले जो बेसिक डाउट था वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, तो अभी डेमो भी समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट लाइव थर्सडे या फ्राइडे को मैं आऊँगा। वीक में अभी मैं 2 बार लाइव आने का ट्राई करता हूँ। कितना सिंपल तरीके से एक कन्विंसिंग सा पेंटिंग बन गया। इसमें थोड़ा सा एक फिगर भी ऐड कर ही देते हैं, खाली खाली लग रहा है। मैंने आपको एक डिटेल वाला ब्रश भी दिखाया था, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके छोटे छोटे एरियाज में यूज़ करने के लिए। अभी आपने देखा कि इतना पूरा एरिया मैंने एक ही ब्रश से कर दिया, एक मोटा ब्रश से काम किया। जब जहाँ पतला छोटे एरिया में काम करना था, ब्रश के पॉइंट को मैंने यूज़ किया। जहाँ बड़े एरिया में काम करना था, ब्रश को इस तरीके से यूज़ किया, ठीक है? थोड़ा फैला के यूज़ किया। फैला के यूज़ कर सकते हो पॉइंट एरिया में, इसके पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके आपको यूज़ टू होना पड़ेगा ये सारे मटेरियल से, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना सारा ब्रश हो तभी आप काम कर पाओ। जैसे जैसे आप काम करोगे, आप खुद पे खुद आपके पास बहुत सारा ब्रश आ जाएगा। काम करते रहो, काम अच्छा हो जाएगा। मेरे चैनल पे एक वीडियो होगा वासुदेव कामत सर का स्पीच। आप लोग को अगर मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए तो जाके एक बार ज़रूर वो वीडियो को देखिए। इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है? आज के लाइफ के लिए इतना एनफ, ठीक है? डेमो हम लोग अच्छे से करेंगे नेक्स्ट लाइफ में, प्रॉपर एक वाटर कलर डेमो, ठीक है? एक लैंडस्केप करेंगे। आप लोग ये अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हो फ्री में ही यूट्यूब पे ही, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करो। पहले आप ये वॉश देना के प्रैक्टिस करो, और इस तरीके से लाइट एंड शेड्स में काम करो। बस लाइट एंड शेड, जैसे एक लेयर में लाइट, दूसरे लेयर में थोड़ा सा डार्क, तीसरा अगर लेयर होगा तो उससे ज़्यादा कुछ डार्क होना चाहिए था, वैसे करके लाइट टू डार्क जाने का एक प्रैक्टिस करो, और एक इस तरीके से वॉश देने का प्रैक्टिस करो, ठीक है? अगर ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट जो लाइव होगा मेरा, उसमें जो डेमो मैं दिखाऊंगा वो आपको समझ में भी आएगा, आप उससे खुद भी कुछ बना भी सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपके पास अब कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए, 10 मिनट और मैं लाइव रहता हूँ आपके क्वेश्चन लेने के लिए। इतना गर्मी में काम करना, फैन ऑन करने से काफ़ी ज़्यादा साउंड होता है, और वाटर कलर फैन ऑन करके करना भी नहीं चाहिए। पेपर जितना जल्दी ड्राई होता है काम करने में, उतना कम टाइम होता है हम लोग पास काम करने का। तो पेपर जितना देर तक वेट रहेगा उतना देर तक हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जब डेमो होगा तो वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, इसीलिए हम लोग फैन वगैरह ऑफ करके काम करते हैं मोस्टली। चलो अब मैं थोड़ा सा कमेंट्स देखता हूँ।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रोस्टो स्टील फील्ड इजल? कमेंट्स इस पे क्यों नहीं आ रहा? हाँ चलो आ गया, यहीं पे मैं देखता हूँ कमेंट्स। अरे यार बहुत डिफिकल्ट है इस पे देखना। पीछे देख रहे हो आप, इतना बड़ा कैनवस, अब इसको फिनिश करना है 1 महीने में। हेलो सोनाली, बहुत जल्दी आ गए। चल मैं अभी कमेंट यहाँ देख रहा हूँ लैपटॉप में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं पिक करता हूँ, अदरवाइज इस लाइव को एंड कर देंगे। और पता नहीं ये सोनाली मेरे जान पहचान वाली है या फिर कोई और, बट थैंक यू सर। स्किल को डेवलप करने के किस टाइप का पेंटिंग बनाओ, लैंडस्केप या सीनरी या पोर्ट्रेट? सब्जेक्ट के पीछे मत भागो, जो भी सब्जेक्ट मिल रहा है उसको प्रैक्टिस करो। डेली काम करना इंपॉर्टेंट है और एक प्रोसेस में काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर सच में इम्प्रूव करना है तो सुबह उठ के डेली 10 से 15 क्विक स्केचिंग करो, उसके बाद नॉर्मल 1-2 स्केच करो थोड़ा टाइम देख के डिटेल में। उसके बाद फिर कोई अगर कलर सीखना है जैसे वाटर कलर है, एक्रेलिक है, ऑयल पेंट है, तब जाके थोड़ा बहुत कलर में काम करो। पहले स्केचिंग, स्केचिंग इंप्रूव होने के बाद ही कलर में आना है, अगर एक सही में प्रोसेस में सीखना है तो। अदरवाइज आप कितना भी कलर सीख लो वो बहुत घटिया पेंटिंग बनेगा अगर आपका स्केचिंग इम्प्रूव नहीं है तो। अगर आपका लाइन्स इम्प्रूव नहीं है तो कोई भी पेंटिंग अच्छा नहीं बनेगा। डेली बेसिस पे वाटर कलर प्रैक्टिस कैसे करें? छोटा छोटा चीज़ में आप प्रैक्टिस करो। मैंने आपको अभी दिखाया ना स्केचबुक मेरा, देखिए एक फिर से दिखाता हूँ मैं, और अच्छे से देखना है तो दोबारा पीछे जाके आप लोग देख लो। इसमें क्या है, ये इस तरीके से प्रैक्टिस करना है छोटा छोटा। दिस इज काइंड ऑफ ए प्रैक्टिस, छोटा छोटा एलिमेंट, छोटा छोटा सब्जेक्ट, जब नहीं पूरा एक पेंटिंग डिटेल में ही बनाना। अगर थोड़ा बड़े साइज का पेपर है तो उसको ब्लॉक कर लो 4 अलग अलग ब्लॉक में। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लाउड्स बनाया है 4 अलग अलग तरीके के, और ये चारों क्लाउड जो है मैंने अपने बैल्कोनी में बैठ के बनाया है। यहाँ पे जब बारिश होता है तब, बारिश के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी मानसून के टाइम बहुत जल्दी जल्दी क्लाउड चेंज होता है, उसी तरीके से मैं बैल्कोनी में बैठ के जल्दी जल्दी इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था। तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, जो आपको समझ में आ रहा है वो प्रैक्टिस करो। सिर्फ क्लाउड्स है यहाँ पर, क्लाउड्स क्लाउड्स क्लाउड्स, ये सब इमेजनरी, ये इमेजनरी लैंडस्केप है। सिंपल सा जो दिमाग में आ रहा है पेंट करने का ट्राई करो। डेली काम करते रहो, अपने आप सब इम्प्रूव हो जाएगा। क्या काम करना है नहीं करना है ये भी समझ में आने लगेगा। सिर्फ सोचने से आदमी सिर्फ सोचता रह जाता है। सो आई होप आप लोगों का मटेरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा वाटर कलर में, ठीक है? धीरे धीरे करके इसका जो टेक्निकल थिंग्स है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे जाके, जैसे कलर थियोरी क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग पर्सपेक्टिव क्या होता है, कलर पर्सपेक्टिव क्या होता है, कलर टेम्परेचर क्या होता है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? कंपोजिशन क्या होता है, धीरे धीरे करके। अभी मैंने आपको बताया है स्केचिंग के बारे में, सारा मटेरियल्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट लाइव में उसको जाके आप ज़रूर देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद इस वाले वीडियो में वाटर कलर से रिलेटेड सब कुछ बताया है। अब आगे जो भी चलेगा, जैसे जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा उसमें मैं स्केचिंग का भी कुछ कुछ यूज़ करूंगा, वाटर कलर का भी यूज़ करूंगा। ये दोनों मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि इन दोनों को यूज़ करके आगे वाले वीडियोज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अलग अलग टॉपिक को समझने के लिए हम लोग कभी स्केचिंग का यूज़ करेंगे और कभी वाटर कलर का यूज़ करेंगे, ठीक है? चलो तो फिर अभी ये वाला लाइव एंड करते हैं। कुछ अच्छा बोल लो, आज बहुत रोया हूँ। आपका नाम बहुत स्टाइलिश लग रहा है जिस तरीके से आपने लिखा है, प्रिटी स्टार, पता नहीं अजीब है लेकिन बहुत यूनिक लग रहा है, खुश हो जाओ।
अभी स्केचिंग का सेटअप मेरा कहाँ है नहीं पता, अभी वाटर कलर का ही सेटअप था यहाँ पे। आप जाके पुराना वाला लाइव देख लो, वहाँ पे मैंने छोटा सा क्विक स्केचिंग किया था। ठीक है, अभी बस इसको एंड करते हैं, थोड़ा सा 9:30 में मेरा एक और मीटिंग है। ठीक है, तो इसको अभी एंड करना होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से करेंगे, स्केचिंग भी करेंगे, वाटर कलर भी करेंगे डेमो। अभी मुझे जाना होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अगर ये वीडियो इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप सबके साथ शेयर करिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कहाँ, आपको कहाँ शेयर करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलो, थैंक यू।